बचपन में क्या इतने खिलौने हुआ करते थे मेरे पास, जितने आज वर्चस्वी के पास में है। मेरे पिताजी इसको गर्मियों में लेकर बैठे रहते थे बाहर, लेकिन ये परवाल ही सोता नहीं था। उन दिनों में क्या गोगो आइसक्रीम चलती थी। इसके दादाजी बड़ा लाड करते थे, तो उन्होंने बड़े धूमधाम से मनाया, इसके लिए साइकिल भी लेके आए। कोई खिलौने हैं मेरे जो फेवरेट हुआ करते थे उस टाइम में? और ये बाद तक जब तक यानी कि इसने साइकिल ही चलाई है, मतलब 20 साल जिंदगी की मैंने साइकिल ही चलाई है, जैसे वो एक कप तोड़ने वाली कहानी है। पावल पूछते रहते हमेशा, तो हमेशा नानी के रहते थे क्या आपने? हैं, लेकिन फिर भी चलो हमने जैसे तैसे दूध चाय के अंदर जो थे घर का दूध आ जाता था, तो उसने जो है कुछ पैसे दिए, कहते कोई बात नहीं तो बाद में जब आपके चाय दूध पी रही तब दे देना। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलो। कैसी लगी हमारी जन्म की स्टोरी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। छोटा सा व्लॉग भी दिखाया था, आपको पसंद आया होगा। तो ये तो थी हमारी, मतलब कि मेरे जन्म की कहानी और मेरी मम्मी की कहानी कि किस तरह से जो है वो शुरुआत हुई थी मेरे जीवन की। पहले सारी कहानी सुन ली हमने और अब सुनते हैं मेरे बचपन की कहानी। जी हाँ, यानी कि मेरा बचपन किस तरह से निकला था। आइए, मैं तो याद नहीं मुझे कि क्या कहानी थी, तो मम्मी से चल के जाओ सुनते हैं। चलो चलें। क्या कर रहे हो? देख रहे हो क्या? देख अपने रहे हो? वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं। कितने व्यूज आए? व्यूज कल वाली पे तो चलो फिर भी ठीक है, आज तो कम ही आए हैं। अच्छा, और सब्सक्राइबर? सब्सक्राइबर 1070 हो गए। अच्छा, हो गए 1070 हो गए। अच्छा, ये कहानी तो हो गई अपने जन्म की। हाँ जी। अब जो है वो आगे ही कहानी शुरू करते हैं अपन की, बचपन कैसे निकला उसके बारे में बताओ चलो। तो जन्म की कहानी सुनी कि गुड़ की डली भी नहीं आई, खाने को भी कुछ नहीं हुआ करता था, और 3-1 महीने के बाद ही जो है वो अबोहर चले गए शायद। उसके बाद फिर 6 महीने बाद, यानी कि मई में चले गए और अक्टूबर नवंबर में जो है वापस आए। तो वो टाइम कैसा निकला, मतलब बचपन की कोई बातें हों जो याद हों, किस तरह से निकला बचपन में? क्या इतने खिलौने हुआ करते थे मेरे पास, जितने आज वर्चस्वी के पास में है वो खेलती है, या जिस तरह से लोग दादा दादी किस तरह से खिलाते थे, चाचा है, बुआ है, मामा है, मामी, ये लोग किस तरह से रखा करते थे, इस तरह की कुछ बातें याद है तो बताओ। तो खिलौने तो देखो पहले कम ही होते थे, इतने ज्यादा आजकल जैसे वर्चस्वी का तो कमरा भरा हुआ है, इतने ज्यादा पहले खिलौने नहीं थे। लोग सीमित की चीजें लाते थे, यानी कि बहुत ज्यादा लिमिटेड होती थी। 2-4 खिलौने ले आए, ज्यादातर तो वो झुंझुने होते थे छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए। तो मैं मायके गई तो ननिहाल में मेरा छोटा भाई है, वो ले आया था खिलौने, इसको खिलाते रहते थे, लाड इसका खूब होता था। दोपहर को आप देखो गर्मियों के दिन होते थे, मेरे पिताजी इसको गर्मियों में लेकर बैठे रहते थे बाहर। उन दिनों में कोई एसी नहीं होता था, कोई कूलर नहीं होते थे, साधारण पंखे चलते थे, हमारे अंदर वाले कमरे में ही हम सोए रहते थे। लेकिन ये परवाल ही सोता नहीं था, पूरी दोपहर अपने नाना जी के साथ जो है गेट के आगे हमारे दहलीज होती थी, वहीं बैठे रहते थे। उन दिनों में क्या गोगो आइसक्रीम चलती थी, तो वो क्या कप भी 1 रुपए का होता था और वो स्टिक वाली होती थी वो भी 1 रुपए की, तो वो जो वही घूमता रहता था। इसके नाना जी पूछते आइसक्रीम खाएगी, खाऊंगा, फिर दिला देते इसको, एक इसने खा ली वो घूम फिर के फिर आ जाता था। वो रेडी पे तो घूमता था आइसक्रीम वाला, तो ये खा लेता था एक के बाद दो फिर दूसरी। माँ कई बार कहती थी छोटा बच्चा है इतनी आइसक्रीम इसको मत दिलाया करो, तो पिताजी कहते क्या खराब करेगी, कोई खराब नहीं करती, बच्चा है ननिहाल में आया है, उसको अच्छे से रहने दो, एंजॉय करने दो। कितने महीने कितने साल का था तब की कहानी है, मतलब कब की बात है ये? ये छोटा सा ही था, यानी कि साल का होगा तब की है। तो साल भर का बच्चा थोड़ी बार बैठता है आइसक्रीम खाने को? नहीं नहीं, साल का ही, वो तो गोदी में लेके बैठे रहते थे। अच्छा। साल भर का तो चलने लग जाता है आराम से। हाँ। 1.5 साल का बच्चा आराम से चलने लग जाता है। अच्छा। और खिलौनों से तो खेलता ही खेलता था ये, यानी कि 1-2 साल की कहानी है जब खाने पीने लग जाता। 6 महीने का बच्चा आजकल जैसे सेरेलैक, मैं भी देती थी सेरेलैक तो, लेकिन ये खाता कम ही था, बोतल का दूध भी नहीं पीता था, तो जो है अपना ही दूध जो है मैं ज्यादातर इसको देती थी। फल फ्रूट है, अब तो लोग जूस पिलाने लग गए, जब जो है इतना जूस वगैरह नहीं होता था, मैं खुद तो फ्रूट खा लेती थी लेकिन ये नहीं खाता था, ये दूध भी नहीं पीता था, बहुत छोटा था। जब 9 महीने का हो गया फिर थोड़ा बहुत जो है सेरेलैक देती थी 2-4 चम्मच, वो भी हाथों को पकड़ के पैरों को पकड़ के जबरदस्ती चम्मच से जो है इसके मुंह में डालना पड़ता था।
अब जब हम यानी कि मैं ससुराल में गई, इसके दादाजी बड़ा लाड करते थे, वो भी इसको जैसे सर्दियों के दिन थे धूप में बैठे रहते थे, वो चिड़िया उड़ती रहती थी, खूब खुला मकान था, तो वो इसको करतगोद में ऐसे ले लेते थे, कहते देख पाली को आ गई, चिया को आ गई, चिया को आ गई। आज आप देखो कि हम बच्चों से एक से दूसरी बार कोई क्वेश्चन कर लेते हैं तो कहेगा दिमाग मत खाओ, बार बार वही चीज पूछ रहे हो। लेकिन ये चाहे देख कितनी बार पूछता रहता था, हाँ करता था, वो कहते चिया को आ गई, चिया को आ गई। उन्होंने यानी कि डोगी भी पाल रखे थे, उनको भी बुलाते रहते थे, तो इस तरह जो है वो खिलाते रहते थे। जब इसका पहला जन्मदिन तो मैं ननिहाल में थी, जब दूसरा जन्मदिन आया तो उन्होंने बड़े धूमधाम से मनाया, इसके लिए साइकिल भी लेके आए, जैसे वर्चस्वी को हमने साइकिल दिलाई है तो इसके दादाजी जो है इसके लिए साइकिल लेके आए थे। चाहे यानी कि परिस्थितियां कैसी भी थी, लेकिन बच्चों के प्रति जो है दादा दादी की ममता होती है। इसकी बुआ है, चाचा है, वो खिलाते थे, मैं तो क्या सारा दिन काम में लगी रहती थी, जब देखो घर का काम ही, क्योंकि संयुक्त फैमिली थी, बहुत बड़ा परिवार था, इसलिए मेरा तो काम खत्म नहीं होता था, बस इसको सुलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए, तब ये जो है मेरे पास आता था, वरना वही खिलाते। कोई खिलौने हैं मेरे जो फेवरेट हुआ करते थे उस टाइम में? कि फिक्स खिलौना हो, ये वाला बड़ा अच्छा लगता है। इसके ऐसे झुंझुने होते थे, जब बहुत ज्यादा छोटा था तब तो ये कलरफुल चीजों को देख के, और जब एक साल का हो गया तब इसको जो है इतना छोटा कैरम बोर्ड जो है मैंने लाके दिया था। हम सारे बैठ जाते थे बहन भाई और इसके साथ खेलते रहते थे, मेरे भतीजे भी थे मायके में, तो इसको ऐसे खिलाते रहते थे। तो ये यानी कि चलना 9 महीने का ये चलना भी सीख गया था जल्दी, क्योंकि हल्का था, ज्यादा भारी नहीं था। आपको किसी ने कमेंट किया था कि गोलू सा लग रहा है, ये दूर से दिखता था, वैसे भारी नहीं था, बहुत ज्यादा हल्का था। साइकिल चलाना इसको बड़ा अच्छा लगता था, जब ये 2 साल का होगा फिर तो पूरी गली के अंदर जो है साइकिल घुमाता रहता था। वहाँ मेरे मायके में भी थी भतीजे की साइकिल पड़ी थी, उससे खेल लेता था। ससुराल में दादाजी ने इसको दिलाई रखी थी, इसको साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता था। और ये बाद तक जब तक यानी कि स्कूल में +2 तक की है ना, इसने साइकिल ही चलाई है, मतलब पूरा इंजीनियरिंग तक ही साइकिल चलाई है, पूरा मतलब 20 साल जिंदगी की मैंने साइकिल ही चलाई है। ये बाइक वाइक तो हमने जब नौकरी लग गए तब की बात है, उसके बाद बताएंगे आने वाले टाइम में, लेकिन साइकिल ही चलाई है मोस्टली। साइकिल के ऊपर भी पूरी ये कहानी बन सकती है, पूरी वीडियो बन सकती है साइकिल के ऊपर की। शैतानियाँ, अब शैतानियों के ऊपर आते हैं, खेलना तो हो गया, शैतानियों की कहानियाँ हैं, जैसे वो एक कप तोड़ने वाली कहानी है, वो किस तरह से है वो बताओ। वैसे तो ये बहुत सीधा था, कोई ज्यादा शैतानी नहीं करता था, लेकिन एक दिन इसने कप मैंने धो के यानी कि रखे थे, तो इसने क्या एक कप उठाया और वो इसके हाथ से छूटा या गिरा मैं नहीं जानती, लेकिन टूट गया। अब मेरी सास ने कहा इसने कप तोड़ दिया, तू यहाँ बैठी क्या कर रही थी, बच्चे का ध्यान नहीं रखती है। तो क्या पहले तो भूमि बोलती नहीं होती थी, आजकल की तो जवाब दे देती है, तो मैंने चुपचाप सुन लिया। जैसे इसके पापा आए तो मेरी सास ने कहा, कहती कि देख तेरे लड़के ने जो है मेरा कप तोड़ दिया। इसके पापा ने इससे पूछा, कहते पाली तूने कप कैसे तोड़ा है, इसने दूसरा कप उठाया तोड़ दिया। अब भाई मेरी सास तो हो गई शुरू कि बाप बेटों ने कुछ करना धरना है नहीं, जब देखो पहले उसने एक तोड़ा था और तोड़ दिया। इस तरह जो है उस दिन बड़ा गुस्से हुए, मैं तो चुपचाप अपने कमरे में चली गई, कुछ नहीं बोला। अच्छा वो एक खाने वाली बात आती ना कि इतना बड़ा परिवार था तो कैसे रोटियां कैसे बनाते थे, कैसे गिनती कैसे करते थे रोटियों की, ये खाना वाना कैसे बनाया, जैसे आजकल जब पारुल को बड़ा खाना सिखाया सब हमने, मतलब मैंने खुद सीखा पहले खाना बनाना, फिर उसको थोड़ा बताया, तो ये है खाना बनाने का क्या है क्या। देखो मैंने ना रोटी गोल बनती थी मैंने अपने मायके में कभी कोई काम नहीं किया, मैं अपने 3 भाइयों की लाडली एक ही बहन हूँ, और मेरे माँ बाप ने कभी मुझसे काम करवाया ही नहीं। लेकिन बाद में जो गया, जब मैं कॉलेज में गई तब मुझे होम साइंस दिला दी गई थी, तो होम साइंस में जो है मैंने सीख लिया था काफी कुछ। लेकिन सीखना एक अलग बात होती है, करना एक प्रैक्टिकल अलग बात होती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा अंतर होता है। तो मैं ससुराल में गई, जब पहले मुझे उन्होंने कहा कि हलवा बना, अब हलवा माँ के हाथ का खाया तो बहुत था, लेकिन बनाने लगी तो फिर मैंने पूछा पहले आप एक बार बताओ, फिर मेरी सास ने बताया तो मैंने हलवा बना दिया था। लेकिन मैंने इतना काम नहीं किया था,
गैस का चूल्हा अब हमारे घर तो अंगीठी थी, शादी के बाद फर्स्ट टाइम इनके गैस का चूल्हा आया था। अब उसी दिन आया था, मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने पहले तो बटन जो है उसको वो अंदर दबा के चलता था, मुझे ये पता ही नहीं था। बड़ी देर कोशिश करती रही, इधर उधर नहीं घूमा, वो कुदरती मेरा हाथ लगा, अंदर हो गया और वो जल गया। तो फिर जो है मुझे खाना ना कोई एक्सपीरियंस था, ना मुझे बनाना आता था। मैं क्या करती थी, खड़ी होती रोटी बनाती, तवे को अपने आगे रख लेती थी। अब वो क्या, मेरी साड़ी जल जाती थी। जब देखो एक साड़ी जली, दो साड़ी जली। एक दिन मैंने अपनी सास को बताया, मैं कहा मेरी तो रोज ये साड़ी जल जाती है। तो उसने कहा कि बेटा ध्यान से बनाया कर, तवे को आगे रखती क्यों है। लेकिन मुझे क्या आदत पड़ी हुई थी, उतारा और जैसे मायके में काम नहीं किया, वो हम तवा उठा के नीचे रख देते होते थे। इनकी स्टैंडिंग किचन थी तो उसके अंदर मैं अपने ऐसे चूल्हा होता था उसके आगे रख लेती और मेरी ये पटलियां पटलियां सारी जल जाती थी। तब मैंने कहा, मैं क्या अब जल जाती है, मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ ना रखूं लेकिन भूल जाती हूँ। फिर ऐसे चार पांच साड़ियां जल गई, तब मेरी सास ने कहा, कहती तू रोज साड़ियां जलाती रहती है, वो कहेगा यानी कि इसके पापा के बारे में, जब उसको पता चलेगा क्या कहेगा। तो मैंने उसी दिन शाम को जब ये आए, मैंने कहा मैंने तो ऐसे ऐसे साड़ियां जला रखी हैं। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, इन्होंने कुछ कहा नहीं। तब मैंने अगले दिन, क्योंकि सच बोलने की मेरी आदत है, मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ, तब मैंने अपनी सास को कहा, मैं कही इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मेरी सास ने कहा, कही क्या, तू अपने मायके से साड़ियां लाई है, हमने थोड़ी दिलाई है, जो हमने दिलाई होती तब तो वो कुछ बोलता। तो मैं तो बस चुपचाप सुन लेती थी, जो भी होती थी ऐसे बोलती कुछ नहीं थी। लेकिन मुझे खाना वाना क्या बना बना के ही, फिर क्या इतना बड़ा परिवार था, अब मैं शाम को 5 बजे लग जाती थी रोटियां बनाने के लिए। फिर क्या करती थी, ऐसे बनी एक डिब्बा होता था लकड़ी का सा, आज वाले वो नहीं होते थे, जब ये रोटियां इतनी हो जाती थी ना तब बस छोड़ देती थी। और कई बार तो इतनी होने के बाद भी रात को बचती नहीं थी, क्योंकि ये लेट आते थे 10 बजे और उसके बाद बचती, इनको तो मैं खिला देती थी, मेरे लिए बचती तो खा लेती थी, वरना मैं ऐसे ही सो जाती थी। तो ये इस तरह का होता था, क्योंकि बहुएं जो है वो बड़ों के सामने बोलती नहीं थी, कोई वाद विवाद नहीं करती थी। अब रोटी, अब तो क्या पूछ लेते हैं, हाँ भी कितनी रोटी खानी है, उस वक्त कोई नहीं पूछता था, कि बड़ों से ऐसे नहीं पूछा जाता था कितनी रोटी खाओगे, कितनी बार चाय बनेगी। नहीं, मेरे ससुर चाय के बड़े शौकीन होते थे, वो पीते तो बस इतनी सी चाय थी, लेकिन हर आधे घंटे बाद उनको चाय दे दो। इसके पापा भी बड़े शौकीन है, आप उनको भी देते रहो, बिल्कुल ब्लैक करके चाय दो, इनको पत्ती का स्वाद आना चाहिए। आप चीनी चाय कम डालो, दूध भले ही कम डालो, लेकिन पत्ती तेज होनी चाहिए, वही आदत इनमें है। एक बात ये भी है, पावल पूछते रहते हमेशा, तो हमेशा नानी के रहते थे क्या आपने, है? जब देखो नानी के रहते थे, तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्लियर हो जाए, उसको पता नहीं आज तक किसी को भी नहीं पता कि वहाँ पे क्यों रहते थे, क्यों जाया करते थे। देखो मेरे माँ बाप में बहुत ममता थी मेरे प्रति, लेकिन ठीक है भी शादी कर दी तो जाना है, लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं चाह कर भी ज्यादा ससुराल में रह नहीं पाती थी। क्योंकि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि इनका कोई काम धंधा था नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं था, वो इतना बड़ा परिवार था, अब ये बच्चा भी हो गया था, तो मेरी सास को मैं अखरने लग गई थी। अब मैं सारा दिन नौकरों की तरह काम भी करती थी, खाना भी बनाना, बर्तन, आज तो बर्तन मांजने में कोई जोर नहीं आता है, उन दिनों में राख से बर्तन मांजने पड़ते थे, सूखे बर्तन मांजो, उसके बाद फिर एक कपड़े से साफ करो, उसको चमकाओ, फिर रख के आओ। क्योंकि जो ये सास और बहू का है ना डिस्टेंस, आप जनरेशन गैप लगा लो, ये हमेशा से चलता है और चलता आएगा। अब जो हमारी जनरेशन है ना, वो उस वक्त भी पिसी थी और आज भी पिस रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो कह देते हैं उनसे जो काम होता है करेंगे वरना नहीं करेंगे, लेकिन हम मना नहीं करते थे, हम जो उन्होंने कह दिया वही हमारे लिए सत्य वचन था। तो काम भी करती थी, फिर भी जो है उनको संतुष्टि नहीं होती थी, वो कमियां कोई ना कोई निकालते रहते थे। एक देखो घूंघट के अंदर, अब गर्मी के अंदर आज की बहुएं गले में चुन्नी भी नहीं रखती हैं, लेकिन मैं घूंघट के अंदर जो है सारा काम करती रहती थी। कभी कभी मेरे भाई साहब जो लेने आते थे वो तो मुझे देखते रहते थे, डरते रहते थे कि अब गिरी अब गिरी, क्योंकि मैंने कभी काम किया ही नहीं था। और रात को तो मैं थक हार के ऐसे सो जाती थी जैसे कोई मुर्दा व्यक्ति पड़ा हुआ हो। इतना काम करने के बाद भी यानी कि ताने ही सुनने को मिलते थे, कोई अच्छी बात सुनने को नहीं मिलती थी।
तब मैं क्या करती थी, अपने मायके चली जाती थी, इसको भी ले जाती थी। हर 15वें दिन जो है मेरे पिताजी का जो है आ जाता था। पहले ये चिट्ठियां चलती थी जिसे लेटर बोलते हैं, तो वो अंतरदेशीय कार्ड भी होते थे, दूसरे लिफाफे भी होते थे, तो हर तीसरे दिन मेरा आता था और हर तीसरे दिन मेरे पिताजी का आ जाता था। मेरा बोर पहुंच जाता था, पिताजी का यहाँ मुझे बुला लिया जाता था। तो हमारी परिस्थितियां, यानी कि कौन लड़की है जो ससुराल में नहीं रहना चाहेगी, लेकिन परिस्थितियां भी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर मैं समझती थी कि कोई भी इंसान बुरा नहीं है, भी वो भी अच्छे हैं, लेकिन उन्हें परिस्थितियां मजबूर करती थी। वो भी चाहते थे कि ठीक है, इसके माँ बाप इसको चाहते हैं, भाइयों की लाडली है, ये वही रहे, और मैं भी फिर वही चली जाती थी, क्योंकि गरीबी के दिन थे। अब मान लो ये बड़े हुए, इनके स्कूल में एडमिशन भी करवा दी, तो क्या था, मार्च के अंदर जो है हमें स्कूल से रिलीव कर देते थे, एग्जाम हुए नहीं, रिलीव हुए नहीं, तो पूरा 15 दिन मार्च के, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में जाके आती होती थी मैं। तो ये मैं हमेशा ही वहां रही हूँ। जब ये बहुत बड़े हो गए और मैंने यानी कि स्कूल ज्वाइन कर लिया, स्कूल वाले भी क्या करते थे, वो सैलरी तो देते नहीं थे, फ्री कर देते थे। जुलाई में जब आप ज्वाइन करते हो तब आपको सैलरी मिलेगी, छुट्टियों की कोई देता ही नहीं था, आज तो फिर भी लोग देने लग गए हैं। तो ये हमारी परिस्थितियां ऐसी थी कि मायके वालों का अथाह प्यार था, वो चाहते थे रहे, लेकिन आपको पता है आज की बहुएं कह देते हैं कि नहीं, मायके में कोई लड़की रहती नहीं है, भी हम कैसे रह सकते हैं, हम कोई छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आज की लड़कियां रहना नहीं चाहती, उस वक्त भी नहीं रहना चाहती थी। जैसे मैं वहां मायके रहती थी, जब 6 महीने मैं रही थी वहां, तो कई लोग तो कहना शुरू कर देते थे आपकी लड़की को छोड़ दिया क्या, ये जाती नहीं है। कई बनियानियां आती थी, वो कहती रहती थी, कहती दादी, मेरी माँ को कहती थी, दादी तेरी छोरी तो बहुत अच्छी है, बहुत लायक है, यहाँ रह जाती है, कहती हमारी छोरियां ने तो हम लियावा, रो रो के वे तो दूसरे दिन ही चली जावे, रवे ही को नहीं। यानी कि कोई लड़की रहती नहीं थी। अब सुख सुविधाओं का जीवन मान लो किसी का हो तो वो वहां रहे। अब पहले की लड़कियों में माँ बाप के प्रति भी ममता होती थी, आज नहीं है वो प्यार, चाहे कितना भी कह दो। आज माँ बाप भी कहते हैं अच्छा जाइए अपने ससुराल, कोई ज्यादा रखता भी नहीं है। मेरे माता पिता की ममता मेरे प्रति अच्छी थी, मेरे भाई भाभी भी अच्छे थे, लेकिन मूल कारण ये था कि मेरे ससुराल की परिस्थितियां मुझे मजबूर करती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने मायके ही रहूं, क्योंकि वहां के रोज के लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि आप शांति का जीवन, मेरा शांति का जीवन है, ये परिवार का भी शांति का जीवन है। तब मेरे ससुर ने इनको बुलाया और कहा कि तू जो है इसको लेके चला जा, एक बार जो आप मेरे से ले लो। तो उसने जो है कुछ पैसे दिए, कहते कोई बात नहीं, तो बाद में जब आपके चाय दूध पी रही तब दे देना। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको।